नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सीएए को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। अमित शाह ने कहा था कि चुनाव से पहले सीएए देश भर में लागू कर दिया जाएगा और अब नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। खबरें हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में ही सीएए लागू करने को लेकर गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा, क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि 15 मार्च से पहले आम चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और उसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो चुनावों के ऐलान से पहले सरकार सीएए की अधिसूचना जारी कर सकती है और सीएए के तहत नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है और उसके लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। उधर सीएए के विरोध में कुछ सियासी दल और मुस्लिम संगठन हैं। विरोधियों का कहना है कि सीएए के जरिए सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। विपक्ष की तरफ से सीएए को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए गए हैं, लेकिन अमित शाह कई मंचों से साफ कर चुके हैं कि सीएए के तहत नागरिकता दी जा सकती है, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। अब सीएए लागू होने वाला है तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस पर क्या सोचता है जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अकलियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मजहब के हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के खिलाफ थी, हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। इन्होंने जितने भी कानून बनाए, मैं अपने हिंदू भाइयों से मालूम करना चाहता हूँ, चाहे सीए आया हो, 3 तलाक का कानून हो, 370 हटी हो, यूसीसी आ रहा हो, हिंदू भाइयों क्या मिला? मुसलमान इस कानून के लागू होने से न घबराएं, मुसलमानों का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। विषय ये है, सीए जो है लोगों की अधिकार देने का बात करता है, किसी का नागरिकत्व तो छीनने का या कुछ हरण करने का बात नहीं करते हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या सोच रही है लखनऊ की मुसलमान जनता, क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से कई मंचों से साफ कर दिया गया है कि ये नागरिकता देने का अधिकार है, छीनने का अधिकार नहीं है, लेकिन वहां के मुसलमान क्या सोचते हैं? बिल्कुल दिव्या, लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है उसको लेकर मुसलमानों में बड़ी भ्रम की स्थिति है। लोगों को कंफ्यूजन है कि सीए एनआरसी अगर लागू हो गया तो उनकी नागरिकता छिन जाएगी, उनके अधिकार कम हो जाएंगे, जो इस देश में उनको अधिकार मिले हुए हैं वो उनकी छीन लिए जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमारे साथ चौक के नखास इलाके के बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आरिफ। आप बताइए, सीए एनआरसी को लेकर आपके मन में क्या है? सरकार 1 मार्च से उसको लागू करने की तैयारी कर रही है। अरे सर, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी कानून हो वो चुनाव से पहले क्यों लागू होता है? इतने दिन से ये लोग कहाँ सोए हुए थे? और अगर इनको लागू करना है तो एक समुदाय को टारगेट करके कोई भी कानून ना लागू करें, जिससे किसी भी आदमी की मन को आहत हो, उसकी भावना है। आप पहले, अगर आपको लागू करना है तो आप बताइए कि सीएनआरसी है क्या, और जो हमारे बड़े उलमा हैं उनसे मिलें, बताएं कि भाई हम लागू करने चाहते हैं इसको। ये क्या एकदम से आपने तारीख दे दी और कोई भी कानून ला के पास कर दिया? ये तो गलत है ना। आप बताइए, मिलिए हम लोग को, बताइए कि ये है क्या, इससे किसी एक विशेष समुदाय को कोई नुकसान तो नहीं है? और हमारा कहना है कि ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि लागू करेंगे, लेकिन उनको चुनाव के वक्त क्यों ही लागू आता है? आप उनकी बात नहीं करते, आप कहते हैं अल्पसंख्यक में लागू कर देंगे। इस पे जो सबसे तर्ज है ना, कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट से हम मजबूत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो सरपरस्ती आपके देश की उलमा चला रहे हैं उनको देखना चाहिए। आप उसकी बात नहीं करते, आप लखनऊ में देखेंगे कल 3 दिन से अकबर नगर में
इसमें तो कोई अल्पसंख्यक नहीं है, इसमें तो सारे समुदाय के लोग हैं, इसमें तो सारे क्या आपने देखा क्या कुकरेल पे सारे समुदाय के लोगों पे लोअर से पहले इस मुद्दे को उठाना, इस पर भी सियासत नजर आ रही है। विवेक का बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। नीना जैन के पास चलते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीना, आपके साथ भी बहुत सारे मुस्लिम भाई नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी लखनऊ के लोगों को हमने सुना। सही बात है कि अगर लोगों के पास डॉक्यूमेंट है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही, सीए लागू होने जा रहा है और चुनाव से ठीक पहले, तो आपको क्या लगता है कि क्या राय है इसको लेकर, और आपको लगता है कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को भड़का रहे हैं? जी, कुछ कट्टरपंथी हैं जो विपक्ष है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। सीए लागू होना चाहिए, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि सीए लागू होना चाहिए। इससे कोई मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, सीए लागू होना चाहिए तो चाहिए। आप क्या मानते हैं कि मुसलमानों को बहकाया जा रहा है? एक ऐसे सियासी हथकंडा है, इसको लागू करने के लिए कम से कम 10 साल का टाइम चाहिए, और चुनाव से पहले इस तरह के ये पत्ते फेंकते हैं ताकि लोगों का ध्यान जो और समस्याएं देश की उससे भटक जाए और लोग इधर उलझ जाए, यार मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं मोदी सरकार। तो एक सियासी हथकंडा है, ध्रुवीकरण का मामला है, बनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई घुसपैठ यहाँ घुसे हैं तो सरकार की नाकामी है, उसके ऐसे बनता है, सरकार को स्टेट देना चाहिए, कैसे घुसपैठ आ गए यहाँ हमारे देश के अंदर। आपको क्या लगता है सीए लागू होना चाहिए? मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सबके लिए है, कोई ऐसी नहीं है। आपको लगता है कि सबके लिए समान कानून होगा, ये अच्छा होगा सबके लिए, एक सरकार अच्छा होगा जी? आप क्या मानते हैं? देखिए, एक समान, एक देश एक कानून, ये होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए। और मुसलमानों को जो ये नागरिकता की बात कर रहे हैं, ये होनी चाहिए नागरिकता की बात। आज मुसलमानों को एक पहचान तो मिलेगी, आज मुसलमानों के खुद 60-70% आधार कार्ड नहीं तैयार है लोगों के, तो ये तो होना चाहिए सीए लागू, और हम इसका स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है सीए को लेकर? देखिए, सीए जो कानून है ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें भी और समय लेना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानता हूं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार होकर जो लोग भारत में आए हैं, उनके लिए खास तौर पर ये सीए कानून लाने जाने की तैयारी की जा रही है, और माना जा रहा है कि जल्द ही अधिसूचना भी इसको लेकर जारी हो सकती है। नीना, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आते हैं आपके पास। सैयद आमिर के पास चलते हैं, रामपुर से हमारे से जुड़े हुए हैं। सैयद, वहां के लोगों की क्या सोच है, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं सीए को लेकर? देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सीधी बात करते हैं कि देखिए, सीए अब से दोबारा से जो है बात आ रही है कि बिल्कुल आने ही वाला है, जो उसकी अधिसूचना है वो भी आने वाली है, क्या कहेंगे? एनआरसी का हवा ज्यादा दिखाया, सब मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ये गलत है कि साहब वो अपने बाप दादा का बताए, वो कहाँ पैदा हुए, उल्टी गंगा बहाई जा रही है। तो अभी तो कुछ आया भी नहीं है, तो पहले से बातें हो रही है, क्या मुसलमानों में टेंशन क्या है? टेंशन भय है उनके अंदर कि हमें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। क्यों है ऐसा? अभी तो कुछ आया नहीं है सामने, हमने सामने नहीं आया। हमारी एनआरसी के लिए प्रदर्शन किया था लोगों ने, उसमें एक बच्चे का मर्डर भी हो गया था। तो जब इतनी सख्ती हो तो फौजदारी हो गया, और तकरीबन 250 या 300 हमारे रामपुर के युवाओं को एनआरसी में जेल भेजा गया, उनकी जमानतें हुई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस चीज से और जनता भय में आ गई, और खासकर मुस्लिम समाज। हालांकि ये एनआरसी तो सब पे ही लागू होगा, चाहे वह हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मगर कुछ हमारे मुस्लिम भाई खौफ खाए। खौफ क्यों खाए? असल में भाजपा को फाड़ने का खौफ, वो चाहती है कि ये लोग जो है इसी में भटके रहे। जो किसानों की आय दुगनी करने की बात 2022 तक की थी, 24 वर्ष तक दुगनी हुई, क्यों आज किसान दर्जे बैठा है? आप ख्वाब दिखा रहे हैं, वो 10 ट्रिलियन डॉलर का हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? 5.44% तो आपका आज है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो मनमोहन के जमाने में 8.1% था। आप कैसे ऐसे ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को, जो कभी ये असल में भटकाना चाहते हैं कि लोग इनसे कहीं 2 करोड़ नौकरी ना पूछ ले। युवा इस पर परेशान है, आपने देखा कैसे ट्रेनों में लद के जिसमें लटक कर लोग गए? कभी जमीन पर जाकर देखिए, जो आप दावे सिर्फ टीवी पे सब चंगा दिखता है, जमीन पर जाकर लोग बहुत परेशान है, लोगों को इस पर शिक्षा चाहिए। ठीक है सैयद, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। आकाश शर्मा के पास चलते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, अभी रामपुर के लोगों को हमने सुना जो कि कह रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। मुरादाबाद के जो मुसलमान है क्या सोचते हैं, क्या ये लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, क्योंकि हम मुरादाबाद की बात करें तो सीए को लेकर के क्या सोच है मुरादाबाद के मुस्लिम समाज की,
क्या मानते हैं सीए लागू होने की तैयारी हो रही है? पहले देखिए, सीए बहुत खतरनाक कानून है। इस वजह से अगर किसी हमारे हिंदू भाई को कहीं पे नागरिकता मिल रही है, चाहे पाकिस्तान से आए, कहीं से भी आए, तो उसका विरोध कहीं पे नहीं था कभी भी, क्योंकि नागरिकता पहले ही मिल रही थी। लेकिन सीए आने से, सीए एनपीआर एनआरसी के साथ आ रहा है, तो ये बहुत डेडली बन जाता है। और समझ में नहीं आ रही मोदी जी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। वो भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं और अरब के मुसलमानों से प्यार करते हैं। अब राहुल गांधी जो है वो लगातार नए यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव साथ साथ में घूम रहे हैं। हमारा वोट जो है बीजेपी को तो जाता नहीं, हमने मोदी जी को वोट कभी नहीं दिया, ना हम कभी देंगे। आखिरी सांस तक अगर कोई इस देश के अंदर आरएसएस राजगी, क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिल्कुल है नाराजगी, क्योंकि उन लोगों ने हमारा वोट को लेकर के क्या सीए एनआरसी पर राहुल गांधी कहां है? एक बार सड़क पर निकल के क्यों नहीं आए वो? क्या सोचते हैं आप सीए के लेकर के, क्योंकि अधिसूचना आने की तैयारी हो रही है? देखिए, सीए और एनआरसी ये सरकार का मुद्दा भटकाने का एक बड़ा एजेंडा है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से नाकाम हुई है 10 सालों के अंदर। ना उससे कोई रोजगार के कोई अवसर मिल पाए हैं, नौजवानों को बेरोजगार है, किसान आंदोलन कर रहा है, उनको मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये सीए लाया जा रहा है। हमें दिख रही है सरकार चाहते हैं आना चाहिए नहीं आना, सीए लाने से हमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उसके साथ जो एनआरसी आप साथ लेकर आ रहे हैं वो हम उसका हम पूरा विरोध। कहा यह जा रहा है कुछ कट्टरपंथी जो है वो इसके विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों को गलत तरीके से भड़का रहे हैं। देखिए, सीए एनआरसी मैं तो यही कहूंगी कि मुस्लिम ही नहीं, सिख, बौद्ध, ईसाई, सभी के लिए दिक्कतें हैं इससे। और मैं तो इस काले कानून के हमेशा से खिलाफ में हूँ और हमेशा से रहूंगी। हाँ जी, हमेशा खिलाफ रहूंगी। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शन यहाँ से लोगों के सामने आ रहे हैं। फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं, विवेक हमारे से जुड़े हुए हैं। विवेक, असल में दरअसल मुस्लिमों के जो हम रिएक्शन सुन रहे हैं उनको पता तक नहीं है कि सीए है क्या, क्योंकि लोगों में गफलत फैलाया जा रहा है और सियासी रोटियां भी इस पर सेकी जा रही है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है कि टारगेट करने की कोशिश है मुसलमानों को। बिल्कुल दिव्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कहूंगा 99% ऐसे लोग हैं, ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जिनको सीए एनआरसी का ड्राफ्ट क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को जो व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिलती है या अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो वहां पर वो अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं, चौक के नक्काश के पुराने लोग हैं। आप बताइए, सीए एनआरसी को लेकर चर्चा हो रही है तो क्या उसके माध्यम से मुस्लिमों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, सबसे पहले तो हम तो ये चाहते हैं कि सीए लाने से पहले पहले देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में किसान, दूसरा बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पहले इस पर चर्चा होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, उसके बाद सीए के बात अलग। वही बात थी, क्या सरकार इन मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है क्या? देखिए, इन लोग पास कोई मुद्दा नहीं है जो ये जनता के बीच जाए और जनता के सवालों से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों ने कुछ नहीं किया है पिछली सरकार पिछले टाइम पे, अपने कार्यकाल पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ जनता को मुद्दों को भटकाने के लिए। बिल्कुल, वो जनता से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की कोशिश है, लेकिन उस पर ध्यान देने के बजाय अन्य मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। और एक बार फिर से यहाँ सीए पर शगुफा छेड़ दिया है, जिस पर अब सियासत भी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए।